राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई। होप करता हूँ सारे भाई मेरे बढ़िया ही होंगे। यार आज फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक लीक्ड वीडियो, मतलब लीक्ड इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं उसको। तो यार आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाटा सफारी के बारे में। तो यार आप कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा टाटा सफारी के भी कुछ बहुत सारे लीक्स हुए थे टाटा सफारी स्ट्रोम्स के, कि स्ट्रोम नई जो हमारी पुराना जो मॉडल आ रहा था उसी मॉडल में दोबारा रीलॉन्च होगी या फिर मतलब एक स्पेशल एडिशन में दिखेगी। तो यार बहुत बहुत हमको फोटोज लीक हुई थी, वायरल हुई थी, तो यार उसी के बारे में बात करेंगे। वो तो खैर नहीं हो पाई यार हमारी, वो हमारी मार्केट में नहीं आ पाई, उसके कोई कंपनी की साइड से कोई मतलब न्यू अपडेट नहीं मिले हमको, तो यार वो तो नहीं आएगी शायद अब। बट हम बात करेंगे यार टाटा सफारी जो हमारी आज के टाइम पे चल रही है, एग्जिस्टिंग टाटा सफारी। यार टाटा सफारी को आए भी यार काफ़ी टाइम हो गया, 2020 में लॉन्च हुई थी टाटा हैरियर के बाद ये, तो जब से अब तक इसमें कोई एक खास कोई ऐसा कोई चेंज आया नहीं है। खास क्या मतलब, एक कुछ भी ऐसा मतलब कोई चेंज आया नहीं है। तो यार होप करते हैं इस बार कंपनी कुछ अच्छा प्लान करी है टाटा सफारी के लिए। इसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यार वीडियो को आप एंड तक देखना ही, वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कब तक ये लॉन्च होने वाली है, कब तक किस किस सेगमेंट में या किस किस इंजन सेगमेंट में आएगी या मतलब कितना क्या अपडेट रहेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। बात करें यार, ये एक गाड़ी इंडिया में टाटा ग्रेविटस के नाम से लॉन्च होने वाली थी, बट यार अच्छा करा टाटा ने इसको ग्रेविटस के नाम से ना लॉन्च करके टाटा सफारी के नाम से लॉन्च किया। यार ऐसा सा मतलब बहुत सारी कंपनियां करती है, महिंद्रा भी करती है, जैसे टाटा सफारी को लॉन्च किया ऐसे ही महिंद्रा ने भी किया था, महिंद्रा ने बुलेरो को बुलेरो नियो के नाम से लॉन्च कर दिया था। तो यार इसमें कोई गलत तो नहीं है टाटा मतलब टाटा कंपनी। तो यार बाकी जो हमको रिस्पॉन्स टाटा सफारी नाम से इस गाड़ी को का मार्केट में मिला है वो शायद टाटा ग्रेविटस से ना मिलता। तो यार अब बात करेंगे टाटा सफारी के बारे में। इसमें यार काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल से गाड़ी चल रही है, इसमें कोई नया चेंज एक टाटा की तरफ से आने वाला है, और पब्लिक की भी डिमांड थी, कस्टमर्स की भी डिमांड थी, हमको कुछ चेंज चाहिए। तो यार बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो बागरा वाला डिज़ाइंस यार काफ़ी पॉपुलर है, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वे। तो उनकी साइड से एक लीक्स, उनकी साइड से एक रेंडर्ड हमको वीडियो और इमेजेस मिली हैं, तो यार उसके बारे में बात करते हैं। कुछ हद तक कुछ परसेंट मतलब काफ़ी परसेंट तक सिमिलर है वो हमारी लीक्ड इमेज के साथ, बागरा वाला डिज़ाइंस का जो रेंडर इमेज है और वीडियो है, तो यार उसके बारे में बात करते हैं हमारी कैसी रहने वाली है और कितनी परसेंट तक हमारी कितनी हद तक वो एक्यूरेट उतरेगी। तो दोस्तों आप जो ये वीडियो देखने वाले हो ये बागरा वाला डिज़ाइंस की तरफ से मतलब रेंडर की गई है, तो थैंक यू यार बागरा वाला डिज़ाइंस का, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो यार आप इस वीडियो में देखोगे तो मतलब ये जो लिखा हुआ है टाटा सफारी फेसलिफ्ट मतलब प्रेजेंटिंग फेसलिफ्ट, तो काफ़ी हद तक ये सेम होने वाला है हमारी एग्जिस्टिंग जो या फिर जो नई अपडेट आने वाला टाटा सफारी का उससे। तो यार आप बात करेंगे इसकी रियर की, तो रियर में देखो आप ये सफारी का, जैसे आप देखोगे इसमें कनेक्टेड टेल लैम्प मिल रहा है हमको, तो यार ये परसेंट तो 102% श्योर है कि इसमें कनेक्टेड टेल लैम्प हमको मिलेगा, क्योंकि यार आज के टाइम पे जो भी नई एसयूवी या नई गाड़ियाँ जो आ रही है हमारी यहाँ पे फेसलिफ्ट आ रही है उसमें सब में हमको कनेक्टेड टेल लैम्प्स की जो फीचर है वो आने लगा है। करें यार इसके अब फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देखोगे कनेक्टेड आपकी हेडलाइट्स भी मिल रही है आपको या एलईडी इसमें मिलेंगी। और बात करें यार सबसे एक मेन चीज़ जो हमको इसमें नोटिस करने में आ रही है, इसमें हमको टाटा का न्यू लोगो जो टाटा अब अपना लाने वाली है मार्केट में वो हमको इसमें मिल सकता है क्या, मतलब 50-50% चांसेस है इस गाड़ी से टाटा लॉन्च करेगी अपने न्यू लोगो को या नहीं करेगी, क्योंकि यार टाटा ने ये क्लियर कर दिया है कि जो उनका प्रीमियम जो सेगमेंट है या फिर जो मतलब पर्सनल व्हीकल सेगमेंट है उसको टाटा अपना न्यू अलग लोगों से कंसिडर करेगी, और जो उनके कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे ट्रक बसेस वगैरह हैं उनको अपने जो पुराने लोगों से है उसी से ही कंसिडर करेगी। तो यार काफ़ी हद तक टाटा इन गाड़ी से अपना न्यू लोगो लॉन्च कर सकता है। जो सामने वाली ग्रिल है आप उसमें भी देखोगे यार उसमें भी कनेक्टेड एक LED DRL हो सकती है, तो यार काफ़ी गाड़ी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। आप देखोगे फ्रंट से बम्पर में तो इसकी लाइटिंग की प्लेसिंग और लाइटिंग के एडजस्टमेंट काफ़ी हद तक बहुत एग्रेसिव लग रही है, चेंज की जाएगी शायद। देखो आप लाइटिंग की देखोगे कट्स एंड जो बम्प्स होते हैं गाड़ी के काफ़ी चेंज किए गए हैं। बात करें साइड प्रोफाइल से खास हमको कुछ चेंज एज देखने को नहीं मिल रहा है, प्लस साइड से तो गाड़ी वही सेम रहने वाली है। बात करें अलॉयज़ की, अलॉयज़ भी हमारे सेम ही रहने वाले हैं, और साइड लेंथ की और हमारी जो लंबाई हो गाड़ी की वो भी साइड से लंबाई सेम रहने वाली है। बात करें पीछे की, तो पीछे यार हमको कनेक्टेड टेल लैम्प्स इस गाड़ी में मिल सकता है।
ये एक पूरा एक वोक अराउंड था गाड़ी का, फ्रंट से, साइड से, बैक से, और जो इसकी टेल लाइट्स, योर लाइट्स जो चेंजेस किए गए हैं। तो यार मोस्ट प्रोबेबली ये मॉडल हमको 2023 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे लीक्स आने अब इसके थोड़े बहुत शुरू स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट थिंग यार, गाड़ी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, ये बात तो श्योर है। और अगर आप कोई भी ओनर या कोई भी कस्टमर टाटा सफारी बुक कर रहा है या फिर लेने की सोच रहा है, प्लान कर रहा है, या किसी ने बुक कर रखी है, तो यार आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ये गाड़ी जल्दी लॉन्च होने वाली है मार्केट में। तो जो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये डिज़ाइन जो है वो है ज़रूर रेंडर्ड, बट यार काफ़ी हद तक 90% तक सिमिलर है न्यू टाटा फेसलिफ्ट सफारी का होने वाला है उससे। खैर ये तो हमारा एक रेंडर्ड इमेज या रेंडर्ड वीडियो था। तो यार आगे हम बात करेंगे जो इस गाड़ी की जो वीडियोस और जो कैमोफ्लेज से जो फोटोज या वीडियो जो हमारी लीक होकर आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये एक ये छोटी सी आप ये क्लिप देखो, इसमें देखो एक कलर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपका, कलर क्या क्या आइडियाज़ हैं, मतलब कलर किस किस कलर में ये लॉन्च हो सकती है। हमारी कुछ जो इमेजेस लीक हो के आई है वो उस इमेज में से एक इमेज है। तो यार आप कुछ हद तक देखोगे जो डिज़ाइन हमारा बागर वाला डिज़ाइन ने जो रेंडर्ड किया था उससे कुछ हद तक, मतलब 90% तक उससे सिमिलर है। तो यार जो हमारी फोटोज जो लीक हुई है ये ड्राइव स्पार्क की तरफ से लीक हुई है, थैंक यू ड्राइव स्पार्क वालों का कि उन्होंने हमको ये वीडियोज या फोटोज ला के दी। मोर देट यार जो आपकी पुरानी वाली फॉर्चुनर की जो ग्रिल आती थी उस तरीके से आपको देखने को मिलेगी इसकी ग्रिल भी, मतलब ग्रिल में चेंज लग सकता है हमको सामने वाली ग्रिल में। अब तक जो आ रही थी हमारी उससे काफ़ी हद तक ये चेंज मिलेगी हमको ग्रिल। मेन थिंग यार इस गाड़ी की हमको लाइट की प्लेसिंग और लाइट की डिज़ाइन हमको काफ़ी हद तक चेंज मिलेगा इसमें। इस गाड़ी का आप देखोगे ये लीक्ड इमेज में और जो बागर वाला रेंडर्ड इमेज वीडियो था उससे काफ़ी सिमिलर है इसकी, ये जो लाइट्स हैं और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो हमको कुछ देखने में एक एग्रेसिव देखने में मिलेंगे। काफ़ी यार इससे गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, तो पहले से भी और ज़्यादा उभर के आई गाड़ी है। और बात करें साइड प्रोफाइल की, या साइड प्रोफाइल में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि साइड प्रोफाइल हमारी एज इट इज़ रहने वाली है। लेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि यार गाड़ी का कभी फेस शिफ्ट आता है तो लेंथ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है, इंच 2 इंच बढ़ा देती है गाड़ी, या घटा भी देती है बढ़ा भी देती है। तो यार गाड़ी से काफ़ी हद तक सेम रहने वाली है, ऐसे कुछ आपको अलॉयज या मतलब अलॉयज मिलेंगे आपको ब्लैक कलर के दे रखे हैं अलॉय के लिए। तो दोनों आगे पीछे दोनों साइड आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक हैं, आप देखने मतलब वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। शायद इस गाड़ी में हमको पुराना ही लोगो देखने में मिलेगा, शायद का मतलब ये तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि यार ये जो कैमोफ्लेज की इमेजेस हैं इसमें हमको पुराना लोगो देखने को मिल रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी जब इस कंपनी जब इस गाड़ी को लॉन्च करे तो लॉन्च पे इस न्यू लोगो को कंपनी प्रोवाइड करा दे, या कंपनी लॉन्च कर दे न्यू लोगो को, तो यार कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करें तो इंजन के बारे में, इंजन हमको इस गाड़ी में क्या क्या मिल सकता है। तो यार हमको इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम अब शायद से पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि रहेगा हमारा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो यार सुनने में काफ़ी इंजन काफ़ी अंडर पावर्ड या छोटा लग रहा है, ऑब्वियस है यार गाड़ी का साइज़ और डायमेंशन काफ़ी बड़ी है। बट यार पावर फिगर की बात करें तो इसमें हमको पावर इसमें हमको ज़्यादा मिलेगी, जैसे बात करें तो हमारी 170 BHP की पावर और 270 Nm का टॉर्क हमको इसमें गाड़ी में मिल सकता है। तो यार इंजन मोटर की बात करें, डीजल मोटर में हमको वही हमारा पुराने वाला 170 BHP और 350 Nm का टॉर्क वही मिलेगा। तो यार डीजल इंजन तो इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है और चल भी रहा है इस टाइम मार्केट में। बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन भी यार टाटा इस गाड़ी से अपना लॉन्च कर सकता है, क्योंकि यार आज पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है NCR के रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि NCR में डीजल गाड़ियों पर काफ़ी मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। तो यार यही था मेरा एक अपडेट। और बात करें लॉन्च की, लॉन्च हमारे जल्दी इस साल में ही, ये साल की एंडिंग से पहले ही हमारे बीच में गाड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि यार गाड़ी की एक कैमोफ्लेजिक एक इमेज आने लगी है, रेंडर्ड इमेज आने लगी है काफ़ी, मतलब कंपनी की साइड से भी कुछ कुछ छोटी छोटी एक लीक्स एक अपडेट्स आने लगी हैं। तो यार गाड़ी हमको जल्दी देखने को मिलेगी, तो यार बने रहिए मेरे साथ और वेट करते हैं हम भी गाड़ी ये कब तक आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, बस यही थी मेरी वीडियो, एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए कि आप अगर प्लान कर रहे हैं टाटा सफारी के लिए तो आप थोड़ा रुक सकते हैं न्यू फेसलिफ्ट के लिए। थैंक यू दोस्तों, बस यही थी मेरी वीडियो।